नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेट तैयारी में। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बाल विकास और मनोविज्ञान के कुछ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देख लेते हैं। इसके पहले भी हर तरह के मनोविज्ञान, हर तरह के विज्ञान जो है आपका साइकोलॉजी है, उसके प्रवर्तक के नाम आप कैसे याद रखें, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। वैसे ज़्यादा लोगों ने देखा ही नहीं है, 5-6 लोगों ने ही देखा अभी तक, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है और ये मेरी नई कोशिश है, नई शुरुआत है। तो चलिए, हो गया सपोर्ट, लाइक, इन सब की बातें बाद में हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपको पता है मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती, चूँकि टाइम बहुत प्रीशियस है, टाइम बहुत वैल्यूएबल इस टाइम पे आपके लिए, चूँकि 1 महीने बचे हैं टेट के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना ज़्यादा बात किए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था। ये कॉमन सा प्रश्न है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था। कोहलर ने दिया था। ये आपका एक क्विक रिवीजन हो रहा है और इस समय पे रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है, स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन थे। मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको नहीं पता होगा पहले से स्वप्न विश्लेषण विधि, तो इसके थे सिंगमंड फ्रायड। इसको आप स से स्वप्न, स से सिंगमंड, इस तरह से याद कर सकते हैं, स्वप्न विश्लेषण विधि सिंगमंड फ्रायड। देखिए, स्वप्न इसको आप और ऐसे याद कर सकते हैं, जहाँ पे भी मनोविश्लेषण की बात है, मन की बात आए, वहाँ पे फ्रायड होते हैं। स्वप्न विश्लेषण भी वही चाहिए कि स्वप्न भी क्या है, हमारी जो मानसिक स्थितियाँ होती है वही तो स्वप्न के रूप में हमें दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। तो जहाँ पे भी मनोविश्लेषणात्मक या स्वप्न विश्लेषणात्मक इस तरह से आए तो उसमें फ्रायड ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। ये है RB Kettle। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा जा चुका है परीक्षा में। RB Kettle तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिए थे उन्होंने। अगला देखिए, बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया था। ये प्रश्न देखिए, बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, चलिए बता देते हैं, हैब ने दिया था। इसको आपको याद रखना है, हैब ने, बुद्धि क और ख का। अगला है आपका मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो ये है विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति, म से मूल, म से मैकडूगल, आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर आपके लिए है, इसका उत्तर मैंने अभी नहीं बताया, मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ये प्रश्न आपके लिए कि साइन मतलब कि चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा और अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगी, या कमेंट बॉक्स में ही मैं रिप्लाई करके इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अल्बर्ट बंडूरा। कौन है? अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के। इसके बाद फिर मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, ऐसे भी पूछ सकता है कि मांग पूर्ति का सिद्धांत या फिर आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए, जब मांग तभी तो बढ़ेगी जब आवश्यकता होगी, तो दोनों सेम चीज़ है, तो कुछ भी आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इसका उत्तर दे देना है, जो कि है मैस्लो लिखा रहता है, कहीं कहीं मैस्लो होता ही है। तो म से मांग और म से मैस्लो, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है। तो अल्फ्रेड बिने हैं, इन्होंने ही बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत की थी। तो और कब की थी, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं, समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है। जे एल मोरेनो। फिर है, बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है। बाल अपराध विज्ञान के जनक, तो वो हैं सीजर लोम्ब्रसो। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जनरली हम ये प्रश्न पढ़ते नहीं, हम पढ़ते हैं तो बेसिक पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा इसके ये मनोज्ञान वो मनोज्ञान, लेकिन बाल अपराध के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ज़रूर याद रख लीजिए। बाल अपराध विज्ञान के जनक सीजर लोम्ब्रसो। तो चलिए, आज की वीडियो के 10 प्रश्न हो गए। जैसे मैंने बताया था कि मेरी वीडियो लॉन्ग नहीं होती है, क्योंकि क्या है ना, जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इकट्ठा तो दिमाग में सब हॉचपॉच सा होने लगता है, थोड़ा जब हम 1-2 प्रश्न कहीं सुन लेते हैं ना, उसका उत्तर हमें याद रहता है हमेशा, तो इसलिए मेरी वीडियो छोटी होती है। थोड़े से प्रश्न पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए, 1-2 बार रिपीट कर लीजिए, ये आपको याद रहेंगे। और समय बहुत कीमती है इस समय, तो आप अपनी बेसिक तैयारी जारी रखिए, साथ में ये जब आप रेस्ट कर रहे हो या जब आप खाना खा रहे हो या इस टाइप से कुछ भी कर रहे हो, तो आप उस टाइम पे वीडियो देख सकते हैं
और अपना रिवीजन कर सकते हैं, और आपको एक दो क्वेश्चन तो उसमें से याद पक्का रहेंगे जो आपके काम आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरी नई कोशिश है और इसके लिए मैंने इतना अच्छा सा फॉर्मेटेड वीडियोस बनाया हुआ है। तो चलिए तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं जिससे भी ज़्यादा यूज़फुल हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग, चूँकि पास नहीं होना है टॉप करना है।